चुप खामोश। और गाइस ये मुझसे काबू नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाला बकरा इससे है तो बड़ा, कद में भी बड़ा है और सेहत में भी बड़ा है। मट्टी की हो इन्होंने। और जल्दी से जी आपने कमेंट में लाजमी बता देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मरवर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जी आने वाली वीडियो आपके पास बासानी पहुँचते रहे। और प्यारा से कमेंट कर दें, जिस तरह आप प्यारे से ना, जिस तरह एक आप प्यारा से कमेंट कर दें। और इस टाइम जी हम आपको दिखाने लगे दो दो खूबसूरत बकरे, और आपने जी बताना कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत बकरा है, कौन सा वेट में ज़्यादा है, किसके प्राइस ज़्यादा होने चाहिए और कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है बकरा। ये तीन चीज़ें आपने मैसेज में लाजमी बतानी है कमेंट में करके। और मैं जल्दी से बकरे खोल के लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और गाइस एक ये वाला बकरा है, ठीक है जी। ये वाला बकरा आपने पहले देखा होगा, और ये वाला बकरा जी, ठीक है। और ये मारता नहीं है मुझे, इसकी पहले आपने वीडियो देखी होगी। आपको ये वाला मैं बकरा दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ लाड प्यार करता है इस तरह, ये देख रहे हैं। और ये मारता नहीं है, ठीक है जी। ये इतना डेंजरस नहीं है जितना ये दिखता है, ठीक है जी। और ये वाला फुल लाड प्यार करता है माशाल्लाह जी। इसका कलर भी आप चेक कर लें और इसकी हरकतें भी आप चेक कर लें। ये मारता नहीं है, ये अगर मारता होता ना जी तो कब का मुझे बहुत ज़्यादा मारना था। इसके प्राइस आप बता दें, इसके प्राइस क्या होने चाहिए इस बकरे के, ठीक है जी। और एक और बकरा है जी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर ये दोनों बकरे आपको दिखाता हूँ मैं लाइव करके। अभी मैं दूसरा बकरा खोल के लाता हूँ, और आई थिंक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, और मेरे ख्याल से इस बकरे को मुझे बांधना पड़ेगा, ठीक है जी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या खा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है जी। ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं सिर्फ इसके साथ खेल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। ये देखें, ये मारता नहीं है, बस ये देखो, ये देखो इतना सा जोर लगा रहे इसने, ठीक है जी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर ना खाओ, इसको ना खाओ, इसको ना खाओ, इसको ना खाओ, इसको ना खाओ। ये देखो जी गाइस, ये वाला बकरा है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ज़्यादातर मैं इसी के साथ, और न्यू जो गोट है जी वो मैं दिखाता हूँ आपको, न्यू बकरा मैं अभी लेके आता हूँ, इसको भी मैं साथ लेके जाना पड़ेगा इसको। और नया बकरा भी मैं आपके साथ लेके आता हूँ, ये देखें, ये देखें इसकी हरकतें चेक कर लें। नया बकरा मैं एक साथ, एक मिनट, एक साथ लेके आता हूँ। और गाइस ये दोनों बकरे मैं लेके आता हूँ जी, और ये वाला अब न्यू बकरा है, ठीक है जी। इधर 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 इधर, ये वाला न्यू बकरा है। एक मिनट चुप खामोश। और गाइस ये मुझसे काबू नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाला बकरा इससे है तो बड़ा, कद में भी बड़ा है और सेहत में भी बड़ा है, क्योंकि ये इधर 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 ये मेरे पास आ नहीं रहा। इधर 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 आ गया गाइस, ये देख लें, ठीक है जी। माशाल्लाह से इस बकरे के कद भी आप चेक कर लें, कितना बड़ा कद है इसका। और इसका जी आप वेट भी चेक कर लें, माशाल्लाह से इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है इन दोनों बकरों के नस्बत, ठीक है जी। ये टू बकरे हैं मेरे पास, ये आप देख लें, ये देखें माशाल्लाह से। अब आप खुद इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत, इधर, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है, कौन सा ज़्यादा प्यारा लगा आपको, किसके प्राइस ज़्यादा होने चाहिए और किसके प्राइस जी बिल्कुल कम होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है जी। ये वाला बकरा थोड़ा सा है बड़ा, और एज में भी काफ़ी बड़ा है। ये वाला ब्राउन वाला और ये वाइट वाला एज में कम है, वो है भी छोटा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देख लें माशाल्लाह से, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, अगर किसी भाई को ये दोनों बकरे कुर्बानी के लिए चाहिए हो तो जी डिस्क्रिप्शन आईडी में मैं नंबर भी दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये बकरे मुकम्मल देख लें, ठीक है जी। ये देखें, ये अभी मुझे घुमाया हुआ, घुमाया हुआ इन्होंने, घुमाया हुआ है मुझे, तंग कर रहे हैं, मट्टी की हो इन्होंने। और जल्दी से जी आपने कमेंट में लाजमी बता देना। और गाइस उस वाले बकरे को मैं बांध आया हूँ, ठीक है जी। वो ज़्यादा डेंजरस है इस बकरे से, इसका आप मुँह भी चेक कर लें कितना प्यारा है, और वो इससे ज़्यादा डेंजरस है, वो मारता है। और ये जी आराम से इसका खड़ा हुआ है, और उसकी आवाज़ें आप सुन रहे हैं ना पीछे से, कितनी गंदी गंदी आवाज़ें लगा रहे हैं। और ये बकरा आराम से खड़ा हुआ है, और आपने बताना कि वो बकरा ज़्यादा खूबसूरत है या ये वाला बकरा ज़्यादा खूबसूरत है। और दोनों आपको मैंने लेते लेते करके भी दिखा दिए, एक साथ करके भी दिखा दिए, और अब आपने फैसला करना है जी किसका रेट ज़्यादा होगा इन दोनों बकरों में से। लेकिन मुझे ज़्यादा पावरफुल ये वाला बकरा लगता है, क्योंकि ये इससे है भी बड़ा। और एक छोटी सी गुजारिश है, जल्दी से नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जी आने वाली वीडियो आपके पास बहुत सारी पहुँच रहे, ताकि जी आपके पास इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत, इधर आओ, 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 ताकि जी आपके पास इसी तरह की खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस आती रहे। और अगर किसी भाई को ये बकरे चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन आईडी में मैं अपना नंबर दे दूंगा, जाकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और माशाल्लाह से आपने कमेंट लाजमी बताना है। अब तक देंगे ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और गाइस मैं दोबारा आया हूँ, दोनों बकरों को मैंने बांध दिए, ठीक है जी। और मैंने हल्का हल्का मुँह भी धो लिया, आपने देखा कि कितने ज़्यादा पावरफुल बकरे हैं, बहुत ज़्यादा ताकत है जी। और अभी अजानें भी हो रही है, नमाज का टाइम भी हो रहा है, और अब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। आपने जी पाँच टाइम नमाज़ पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक
कसरत के साथ जिक्र करना है। और दूसरी बात जी, लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह ये बकरे लड़ते हैं, अजान हो रही है, अजान का जवाब देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।